Good morning to all, welcome back to another video. Today we are going to start the next topic that is a salts. Now, what is the salt? A salt is a substance formed by neutralization of neutralization of an acid with a base. Ki salt kasi form ote acid or base ka neutralisation neutralization hota hai. for example.

तो क्लासिफिकेशन क्या है द फर्स्ट वन इज नॉर्मल सोल्ट सोल्ट का मीनिंग क्या होता है कि अ नॉर्मल सोल्ट इज द वन विच डजेंट कंटेन एनी आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोक्सेल ग्रुप इट मीनस नॉर्मल सोल्ट कौन सा होता है जिसमें कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है एसिड्स और बेस का कंप्लीट Neutralization of acid and in base. For example, NaCl, that is sodium chloride, KCl, potassium chloride, NaNO3, that is the sodium nitrate, and K2SO4, that is the potassium sulfate. All are the normal salts. Now हाउ एन एस एल सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड तो सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है वेन एनएच एनएच क्या है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज अट्रॉन्ग बेस वेन सोडियम हाइड्रोक्साइड एनएच इज रिएट विथ एचसीएल एच सी एल इज अड्रोक्लोरिक एसिड देन वॉट इज फोर्म्ड सोल्ट प्लस वॉटर एंड विच सोल्ट इज फॉर्म्ड

चार्जेस के बीच में तो एन ए अपना बोन्ड किसके साथ बनाएगा सीएल के साथ तो दैट्स वाई यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है एन ए सी एल सिमिलरली के सीएल कैसे फॉर्म होता है वेन के ओ एच पोटासियम हाइड्रोक्साइड इज रिएक्ट विद एच सी एल हाइड्रोक्लोरिक एसिड देन KCl plus water is formed. Similarly, NaNO3 sodium nitrate कैसे बनेगा जब sodium hydroxide react किसके साथ करेगा Nitric acid के साथ तो form होगा NaNO3. K2SO4 कैसे बनता है When पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वन केल्फ्यूरिक एसिड एच टू एसओ फोर तो फॉर्म क्या हो जाएगा के टू एसओ फोर तो इन चारों सोल्ट में व्हाट इज दिमिलैरिटी दैट यू कैन सी कि अगर हम देखते हैं तो ये सारे सोल्ट क्या है स्ट्रांग एसिड और स्ट्रॉग बेस से बने हुए हैं एन यू एच विच इज अ स्ट्रॉग बेस एच सी एल विच इज अस्ट्राग एसिड सिमिलरली पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो अ स्ट्रांग बेस एच सी एल इज ऑल्सो अ स्ट्रांग एसिड तो ये चारों के चारों किससे बने हुए हैं स्ट्रांग एसिड एंड स्ट्रांग बेस से तो कम्पलीट न्यूट्रलाइजेशन कब होता है ओनली वेन द सोल्ट इज फॉर्म्ड बाय स्ट्रांग एसिड एंड स्ट्रांग बेस ओनली देन यू कैन हैव कम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड बाई एन बेस तो ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट एक इंपॉर्टेंट टैगलाइन है कि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन कब होता है जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रांग बेस के साथ रिएक्ट करता है क्लियर द नेक्स्ट वन इज एसिडिक सोल्ट वॉट इज द एसिडिक सोल्ट एसिडिक सोल्ट स्टिल कंटेन्स सम रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम कि एसिडिक सोल्ट में क्या होता है एसिडिक कंटेंट मोर होता है कि उसमें अभी भी कुछ एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है दिस मीन दैट द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड बाय द बेस इज नॉट कंप्लीट यहां पे क्या होता है पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन क्लियर फॉर एग्जाम्पल एन एच इसको क्या बोला जाता है सोडियम एनएमीस सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट क्लियर एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये दोनों एग्जाम्पल है एसिडिक सॉल्ट के तो न्यूट्रलाइजेशन इसमें कंप्लीट नहीं हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है अगर हम देखते हैं कि एनएच फोर कैसे बना हुआ है तो यहां एन ए कहाँ से आया हमारे पास एन ए ओ एच से दैट मीन दिस इज अ बेस प्लस किसके साथ रिएक्ट हुआ एच टू एस ओ फोर के साथ एंड वी ओल नो एसिड लूज क्या करता है एच पॉजिटिव और यहाँ पे एच टू एसओ फोर के पास कितने हाइड्रोजन आए टू कितने एच पॉजिटिव ये अपने रिप्लेस कर सकते हैं टू तो अगर दोनों के दोनों ही हाइड्रोजन रिप्लेस यहां से होते हैं तो फॉर्म क्या होता है एन टू एसओ फोर प्लस वोटर अब इसमें क्या है कोई भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं है मीन्स दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो चुके हैं तो यहां पे क्या था ये किसका एग्जाम्पल था कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का क्लियर अब इसमें अन इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन कैसे होगा या पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन कैसे होगा दिस इज अ पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन कि यहाँ क्या था टू हाइड्रोजन अभी भी हमारे पास क्या बना दिस वन तो इसमें क्या है अभी भी वन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन यहां पे बचा हुआ है क्लियर तो यहाँ सिर्फ एक ही हाइड्रोजन को मेटल ने रिप्लेस किया ये H2 एक H की जगह क्या आया Na ए बट अभी भी स्टिल क्या है वन हाइड्रोजन इज प्रेजेंट तो दैट्स वाई दिस इज अ एसिडिक सॉल्ट एंड द नेक्स्ट वन इज बेसिक सॉल्ट बेसिक सोल्ट क्या होंगे जिनमें बेसिक कंटेंट हाई होता है इट मीन जिसमें हाइड्रोक्सिल रिप्लेसेबल ओ एच नेगेटिव प्रेजेंट होता है तो बेसिक सोल्ट क्या होता है बेसिक सॉल्ट स्टिल कंटेन सम रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिसमें क्या होगा रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिस मीन दैट द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बेस बाय द एसिड इज नॉट कंप्लीट फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है PbOH2 टू दैट इज अ लेड हाइड्रोक्साइड दिस इज अ बेस इट रिएक्ट विद एच एन ओ थ्री नाइट्रिक एसिड देन फॉर्म क्या होगा पी बी ओ एच एन ओ थ्री बेसिक लेड नाइट्रेट कि अगर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता कि ये दोनों के दोनों ही ओ एच OH यहाँ से रिप्लेस होते बाय द लेड तब तो हमारा क्या होना था लेड नाइट्रेट बनना था बट यहाँ पे क्या हो रहा है पार्शियली न्यूट्रलाइजेशन पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन में क्या है अभी भी हमारे पास यहाँ पे वन ओ एच नेगेटिव रिप्लेट एबल है तो दैट मीन दिस इज अ बेसिक सोल्ट तो एसिडिक सोल्ट में क्या होता है वन हाइड्रो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है और बेसिक सोल्ट में वन रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है एंड द नेक्स्ट वन इज मिक्सड सोल्ट मिक्सड सोल्ट क्या होते हैं द सोल्ट कंटेनिंग मोर देन वन कैटाइनोर मोर देन वन केटाइन और एन एच नेगेटिव आयन की जिनमें एक से ज्यादा कैटाइन या एन प्रेजेंट होते हैं फॉर एग्जाम्पल सी ए सी एल टू कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड तो अगर हम इसमें देखते हैं तो इसमें क्या है एक क्या होगा ओ सी एल नेगेटिव और दूसरा क्या होगा सीएल नेगेटिव इट मीन इसमें ये क्या है टू एनाइंस प्रेजेंट है तो देट इज अग्जाम्पल ऑफ अ मिक्सड सोल्ट इसमें एटलीस्ट टू काइंड ऑफ कटाइन और एनआईन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम लोग एनए के सीओ थ्री का करते हैं तो so, इसमें क्या है एक तो एन ए पॉजिटिव है और दूसरा क्या है के पॉजिटिव है दैट मीन इसमें क्या है टू केटाइन प्रेजेंट है नेक्स्ट इज डबल सोल्ट डबल सोल्ट क्या होता है द सोल्ट आर फॉर्म्ड फ्रॉम टू सिंपल सोल्ट सिंपल सोल्ट से बनते हैं एग्जाम्पल क्या है पोटाश अलम अब अलम का मीनिंग क्या है एक तो पोटाश इसमें पोटासियम का सोल्ट है दैट इज ए के टू एसओ फोर और दूसरा इसमें क्या है अलम मीन्स एल्युमिनियम का सोल्ट है तो अल्यूनियम का सिंपल सोल्ट क्या है ए एल एसओ फोर थ्री और डोट ट्वेंटी फोर एच टू तो दैट इज द डबल सोल्ट नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ सोल्ट बेस्ड ऑन पी एच वैल्यू कि अगर हम पी एच वैल्यू पे देखते हैं तो सोल्ट कितनी तरह के होते हैं फर्स्ट क्या है न्यूट्रल सोल्ट सोल्यूशन न्यूट्रल सोल्ट सोल्यूशन क्या होता है सोल्ट सोल्यूशन ऑफ स्ट्रांग एसिड एंड स्ट्रोंग बेस तो जब भी स्ट्रॉग एसिड स्ट्रांग बेस के साथ रिएक्ट करेगा या वीक एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो सोल्ट कैसा बनेगा विच इज अ न्यूट्रल इन नेचर जिसकी पीएच क्या रहेगी सेवन फॉर एक्जाम्पल सोडियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट सेकेंड क्या होता है कि वेन स्ट्रांग एसिड्स रिएक्ट विद द वीक बेस तो क्या है सिमिलरली जो अभी हमने किया एसिडिक कंटेंट हाई हो जाएगा तो उस टाइम जो पीएच वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी मोर देन सेवन एंड बेसिक सॉल्ट सॉल्यूशन कब बनता है वेन वीक एसिड रिएक्ट विद द स्ट्रांग बेस जब बेस का कंटेंट हाई होगा तो एट दैट टाइम वीक सॉल्ट सॉल्यूशन इज फॉर्मड और उस टाइम पी एच वैल्यू कितनी रहेगी मोर देन सेवन तो दिज दि, आर द सम कॉमन टर्म्स इन सोल्ट सो गाइज रिवाइज फैमिली ऑफ सोल्ट नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंट सोल्ट जिसमें सोडियम क्लोराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड वॉशिंग सोडा तो हम इन सबको हम वहां पे डिस्कस करेंगे टिल देन कीप रिवाइजिंग द सॉल्ट्स